give some more examples. Sure. अब मैं फिर एग्जाम्पल थोड़े थोड़े ऊपर नीचे करूंगी. अभी तक मैं सेम पैटर्न रख रही थी, अब मैं थोड़ा चेंज कर रही हूं. मैंने बोला सोनू सेड टू मोनिका, फिर उसने कह दिया इंटेरोगेटिव बनाना है, व्हाई डोंट यू डू योर वर्क. थोड़े क्रिटिकल एग्जाम्पल्स दूंगी बेटा फिर, अब है ना, क्योंकि सिंपल सिंपल में तो वैसा ही चलता रहेगा सेम फेज. तो सोनू सेड टू को क्या बनाया हमने, आस्क्ड. सोनू आस्क्ड मोनिका, वाई का वाई क्योंकि इन्वर्टेड कोमा हटता है, डब्ल्यू एच के केस में कुछ ऐड नहीं होता, तो सेम टू सेम. अब हमें डू को सेकंड फॉर्म में बदलना है, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, डेड. यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मोनिका के हिसाब से क्या बनेगा, शी. तो वाई शी डेड नॉट डू. एक वर्ब बदल दी, दूसरी नहीं बदलेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. वाई शी डिड नॉट डू, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड. मोनिका के हिसाब से किस में बदलेगा, हर में. जैसे यू योर यू होता है, ऐसे ही शी हर हर होता है.